साहब, हमारी इकलौती बेटी जिसे हमने अपने बुढ़ापे का सहारा समझा था, उसने हमारा जीवन नरक बना दिया है। मकान का किराया छीन लेती है, गुंडों से मरवाने की धमकी देती है, कई तरह की शारीरिक यातनाएं देती है। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चों व पति को भी परेशान करती है। 103 साल के नारायण राय, 95 साल की विमला राय ने कुछ इस अंदाज में SSP ग्वालियर अमित सांघी से अपनी पीड़ा व्यक्त की। उनके चेहरे पर बेटी की दहशत को साफ देखा जा सकता था। उम्र के इस पड़ाव में आकर आखिर उनको इतना दर्द क्यों झेलना पड़ रहा है? उनके आवेदन को SSP ग्वालियर ने तत्काल जांच में लेकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि उपनगर ग्वालियर के राय कॉलोनी घास मंडी निवासी 103 वर्षीय नारायण राय और उनकी 95 वर्षीय विमला राय पत्नी की एक ही बेटी है, रजनी पत्नी सुरेंद्र राय। दामाद ठेकेदार है। ये बेटी भी बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुई थी। शुरू से ही राय दंपत्ति की ये इकलौती बेटी उनकी लाडली थी, उसे ही वो अपना बेटा समझते थे। किसान दंपत्ति के पास जमीन और राय कॉलोनी में मकान है, यहाँ उसकी चल और अचल संपत्ति है। उन्होंने सोचा था कि बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, यही बेटी उनका सहारा बनेगी। लेकिन इसी बेटी की प्रताड़ना से दुखी होकर वो SSP ऑफिस पहुंच गए। बुजुर्ग का आरोप है कि उनकी इकलौती संतान बेटी आदतन खराब महिला है, हमें गंदी गंदी गालियां देती है, मकान का जो किराया आता है उसे छीन लेती है, गुंडों से मरवाने की धमकी भी देती है, शारीरिक यातनाएं देती है। SSP ने उनकी शिकायत को सुनने के बाद आवेदन को परामर्श और सीनियर सिटीजन के तहत होने वाली कार्रवाई के लिए ग्वालियर थाने को भेज दिया। वहीं बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि उनकी बेटी का स्वभाव इतना खराब है कि उसके बच्चे और पति भी उससे परेशान हैं। जब बुजुर्ग दंपत्ति अपनी बेटी की शिकायत कर रहे थे, तभी महिला के बच्चे भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने भी माँ से प्रताड़ित होने की बात कही है। उनके आवेदन को भी जांच में लिया गया है। वहीं SP नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि बुजुर्ग दंपति ने अपनी इकलौती बेटी की शिकायत की है, उनके द्वारा प्रताड़ना का जिक्र किया गया है, जिसकी पुष्टि उनकी बेटी के बच्चों ने की है। मामले में तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित थाना पुलिस को बोला गया है। लड़की से परेशान और 5,000 को महीना ले रही मेरे मकान का, और हमें चटियाती है, मारती है, वो पुलिस में रिपोर्ट करती है तो पुलिस साड़ी चढ़ी जिसको बचाता है उसके नाम रिपोर्ट करती है कि जाने मुँह मार और क्या की और लिख रहा बेटी। हाँ, क्या नाम बेटी का? रजनी। अच्छा, क्या तुम मारती बेटी है? तुम मारती है? मकान में से निकलो, हिंद है, राजा मांगो। एक ही मोड़ी है? एक ही मोड़ी है। एक सीनियर सिटीजन अपनी पत्नी के साथ आए थे, ये थाना किलागेट का मामला है। उनके साथ में उनकी बेटी की बेटी भी आई थी और वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी पर आरोप लगा रहे थे कि वो उनको मारती पीटती है और घर से निकालने का प्रयास कर रही है। और इस बात की पुष्टि जो जिस पर वो आरोप लगा रहे थे उसकी बच्ची ने भी की थी कि हमारी माँ, हमारे ये नाना नानी इनको परेशान करती है। तो इस बात को लेकर थाना प्रभारी किलागेट आलोक परियार को बताया गया।